किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस उसकी स्टडीज़ हैं, किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस उसके रिलेशनशिप इश्यूज हैं. सो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट वे में डिस्क्राइब करता है स्ट्रेस को. ये स्ट्रेस जो है ये हमारी बॉडी का एक रिएक्शन है टुवर्ड्स एनी डिमांड और थ्रेट. अब ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस हमें डिसफंक्शनल ही कर दे. स्ट्रेस की दो आप समझ लें काइंड्स हैं, एक यू स्ट्रेस या पॉजिटिव स्ट्रेस कहलाते हैं और एक डी स्ट्रेस कहलाते हैं. जो चीज़ हमें आगे बढ़ा रही होती है, असल में हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस हमें हेल्प करता है. इन प्रिंसिपल अगर हम गौर से देखें तो अगर हम हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस एंजाइटी नाम की कोई चीज़ ना हो तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो पॉजिटिव स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में हमारी परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है. लेकिन एट द सेम टाइम यही चीज़ अगर आपको डिसफंक्शनल कर दे, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ख़राब कर दे एंड आप सिर्फ उसी के बारे में सोच कर एक आप समझें कि पैरालाइज्ड हो जाएं, तो फिर ये डी स्ट्रेस होगा. कोई सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के तो यस देर आर सम. हमारी बॉडी सर्टन वे में रिएक्ट करती है, हमारी थॉट्स सर्टन वे में रिएक्ट करती हैं, क्योंकि बता रही होती हैं कि ये एक स्ट्रेस का स्टेट है. दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना या कम हो जाना. अच्छा, फिर ब्लड फ्लो बॉडी में रिएक्ट सर्टन वे में रिएक्ट होता है. हमारा ब्लड फ्लो जो है, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, कि वो भी फ्लक्चुएट कर जाता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में. बिहेवियरल लेवल पर स्ट्रेस मैनिफेस्ट ऐसे होता है कि आपका बिहेवियर वाजा तौर पर आपको प्रॉब्लमेटिक नज़र आता है. या तो आप अवॉइडेंस की तरफ जाते हैं स्ट्रेस में, आइसोलेशन की तरफ जाते हैं, क्राइंग की तरफ जाते हैं, एग्रेशन की तरफ जाते हैं. सो देर आर डिफरेंट रीजन. सम टाइम एक्सटर्नल होती हैं, हमारा इन्वायरमेंट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमें दे देता है जो कि स्ट्रेस का स्ट्रेस कॉज कर जाती हैं. एंड हमारे कुछ इंटरनल ट्रिगर भी स्ट्रेस के होते हैं. द प्री डिस्पोजिशन वी हैव, जो जेनेटिक मेकअप हमारा है, मेरा सोचने का अंदाज, मेरी मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रेस कॉज कर सकती है. अगर पुअर मैनेजमेंट है मेरी तो वो स्ट्रेस को डी स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है यू स्ट्रेस की बजाय.